चार मरकजी वुजरा की भी साख दाव पर है। लखनऊ में राजनाथ सिंह की साख दाव पर है, वहीं स्मृति रानी के अमेठी में भी आज वोटिंग है। मोहनलालगंज में कौशल किशोर की साख दाव पर है और अजय मिश्रा टेनी के लखीमपुर खीरी में भी आज वोटिंग है। यानी चार मरकजी वुजरा की साख आज दाव पर है। चौथे मरहले में अपने अपने इलाकों में इन्होंने किस कदर अवाम का दिल जीत कर रखा है, ये भी आज साफ होगा। वहीं यूपी की इंतखाबी जंग अब चौथे दौर में पहुंच चुकी है। चौथे मरहले में 9 जिला की 59 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है, जिसमें 624 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो जाएगा। और चौथे मरहले की इन सीटों पर हो रही वोटिंग में उम्मीदवारों के साथ साथ चार मरकजी वुजरा की भी साख दाव पर लगी है, जिसमें वजीर दिफा राजनाथ सिंह, टेक्सटाइल वजीर स्मृति रानी, वजीर ममलिकत बराए दाखिला अजय मिश्रा टेनी और अर्बन हाउसिंग मिनिस्टर कौशल किशोर के जिले शामिल। चार मरकजी वुजरा हैं जिनकी साख आज दाव पर है चौथे मरहले में। और आपको ये बराए रास्त तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती अपने हक रायदेही का इस्तेमाल करने पहुंची। ये बराए रास्त तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती इन तस्वीरों में नजर आ रही है। सुबह सुबह अपना वोट कास्ट करने पहुंची, अपने हक रायदेही का इस्तेमाल करने पहुंची है मायावती। लाइव तस्वीरें देख रहे हैं आप। मायावती पहुंची अपने हक रायदेही का इस्तेमाल करने। अभी अभी वोटिंग का आगाज हुआ है और चौथे मरहले में अपने हक रायदेही का इस्तेमाल करने पहुंची हैं बसपा सुप्रीमो मायावती। तमाम अहम अपडेट मुसलसल आप तक पहुंचा रहे हैं। लाइव तस्वीरें हैं जो आप इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अपना वोट कास्ट करने पहुंची हैं मायावती बसपा सुप्रीमो। चौथे मरहले की वोटिंग का आगाज हो चुका है। आज 9 जिलों की 59 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। इसमें कई दिग्गजों की साख दाव पर है और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं बसपा सुप्रीमो की। अपने हक रायदेही का इस्तेमाल करने पहुंची हैं मायावती। बराए रास्त तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं किस तरह से जमहूरियत के जश्न में तमाम दिग्गज भी शामिल हो रहे हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती की तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस वक्त अपने हक रायदेही का इस्तेमाल कर रही हैं। बराए रास्त तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। बता दें आपको कि तमाम पार्टियों ने खूब ताकत झोंकी है तस्वीर में इस दफा। हालांकि बड़ा मुकाबला यूपी में समाजवादी पार्टी इत्तेहाद और बीजेपी के दरमियान ही है, लेकिन सभी जमातों ने आवाम के दिल में जगह बनाने की भरपूर कोशिश की है। ये आप देख रहे हैं बराह रास्त तस्वीरें बसपा सुप्रीमो मायावती। अहम तस्वीरें इस वक्त की, अभी अभी वोटिंग का आगाज हुआ ही है। मायावती अपने हक रायदेही का इस्तेमाल करने पहुंची हैं, वही तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आज चौथे फेज की वोटिंग में भी मुकाबला काफी दिलचस्प है। आपको बता दें कि आज कई दिग्गजों की साख दाव पर है। मरकजी हुकूमत के चार वुजरा की भी साख दाव पर है। इनके इलाकों में भी आज वोट डाले जा रहे हैं। यूपी का मुकाबला हर गुजरते दिन के साथ बेहद दिलचस्प होता जा रहा है। बसपा सुप्रीमो मायावती पहुंची अपने हक रायदेही का इस्तेमाल करने। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में चार मरहले की वोट आज मुकम्मल हो जाएगी वोटिंग। आज चौथा मरहला है, 7 फेजेस में यूपी का इंतखाब मुकम्मल होना है और आज चौथे मरहले की वोटिंग में कई दिग्गजों की साख दाव पर है। ये तस्वीरें आप बसपा सुप्रीमो की देख रहे हैं।
अपने वोट कास्ट करने पहुंची, अपना वोट डालने पहुंची बसपा सुप्रीमो मायावती। और ये बराह रास्त तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। बता दें आपको कि बसपा ने भी मेहनत की है यूपी इंतखाब में, लेकिन बड़ा मुकाबला समाजवादी पार्टी और आरएलडी इत्तेहाद और बीजेपी के दरमियान। अपने आखिर आयदेही का इस्तेमाल करने आई है यहाँ मायावती, और ये बराह रास्त तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। हो सकता है मीडिया से बात करें मायावती, लेकिन तमाम जमातों ने उम्मीद जताई है कि इस बार इंतखाब में वही बाजी मारे। आज चौथे फेज पर जिन सीटों में वोटिंग हो रही है उनमें ज्यादातर सीटों पर 2017 में बीजेपी ने कब्जा जमाया था। 59 में से 51 सीटों पर बीजेपी काबिज थी, 4 सीटें समाजवादी पार्टी ने हासिल की, 2 सीटें कांग्रेस को मिली, 2 बसपा को। बीजेपी के लिए अपनी परफॉर्मेंस, अपना मुजाहरा दोहराने का चैलेंज है इस बार भी। 2017 में बीजेपी ने ज्यादातर सीटों पर कब्जा जमाया था, आज जिन सीटों पर चौथे फेज में वोटिंग हो रही है वहीं दीगर जमातों के सामने चैलेंज ये है कि जिन सीटों पर बीजेपी ने कब्जा जमा लिया था वहां से वो सीटें कैसे हासिल की जाए। ये देख रहे हैं आप तस्वीरें उस वक्त की, अब से चंद मिनट पहले की, जब बसपा सुप्रीमो ने अपने हक रायदेही का इस्तेमाल किया। बीएसपी सुप्रीमो मायावती अपने वोट का इस्तेमाल करने पहुंची और जमहूरियत के जश्न में उनके शामिल होने की तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त। अब से चंद मिनट पहले अपना वोट कास्ट किया उन्होंने, अपने हक रायदेही का इस्तेमाल किया और चौथे फेज की वोटिंग है। आज 9 जिलों की तमाम असेंबली सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। 59 सीटों पर 625 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज ईवीएम में कैद हो जाए। 7 बजे वोटिंग का अमल शुरू हुआ है जो शाम 6 बजे तक जारी रहने वाला है।